इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमारी रिट जो ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट थी वो पेंडिंग थी। मीनवाइल जब ये ईसीपी ने अगेन मैं कहूँगा दोबारा शबखून मारा और लोगों का मैंडेट जो है वो चलाने की कोशिश की, तो हमने सीएम डाली जो आज टेकअप हुई, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बेंच हेड किया और उसके अंदर ईसीपी को भी बुलाया और जो बाकी के रिटर्न कैंडिडेट्स हमारे और जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उनको भी बुलाया गया। वहाँ पर आर्गूमेंट्स हुए और आपके सामने बड़े खुली किताब की तरह वो आर्गूमेंट्स हुए, उसके ऊपर क्लियर हो गया कि इस जो ये तीनों रिटर्न कैंडिडेट्स हैं इन्होंने इंतहाई गलाजत से भरी हुई एक लैंग्वेज यूज़ की जो ऑनरेबल सिटिंग जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बारे में थी, जो ट्रिब्यूनल कंडक्ट कर रहे थे उनके बारे में, जिसके ऊपर इनकी सरजनिश खाली नहीं हुई। यहाँ तक हो गया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एज अ सो मोटो लेकर कंटेंप्ट में आप लोगों को अंदर भेजूंगा, मैं तीनों को अंदर भेजूंगा। यहाँ तक बात पहुँच गई। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि ईसीपी जो ऑलरेडी पार्टी बना हुआ है, जिसके खिलाफ शुएब साहब ने, मैंने, आमिर साहब ने, हम तीनों ने अपनी पिटीशन में इनको पार्टी बनाया, क्योंकि हमारा तो ग्रीवियंस ही ये है कि दे आर सो कॉल्ड एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड हैं जिन्होंने हेल्प आउट किया इन जो जाली MNA है, जो फर्जी MNA है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनको MNA बनाने के लिए इनके नोटिफिकेशन गलत किए, इनके फॉर्म 45-47 गलत हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसको कवर अप करने के लिए उसको शोल्डर प्रोवाइड किया इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो मेरे आपके टैक्स के पैसे से चलता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उन्होंने किया क्या कि एक इतने जल्दी में उजलत में उन्होंने ट्रांसफ़र किए, एप्लीकेशन एंटरटेन की, आपको पता है उसके ऊपर नोटिस किया, उसके ऊपर ऑर्डर किया, पहले एक ऑर्डर किया, फिर 6 तारीख को, 7 तारीख को दूसरा ऑर्डर हुआ और उसका जो पब्लिश हुआ, जो अनाउंस किया वो 10 तारीख को किया उन्होंने, और उस ऑर्डर में क्या लिखा कि ये बहुत जल्दी कर रहे हैं, उस ऑर्डर में क्या लिखा कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, जबकि जो एप्लीकेशन हैं उसके अंदर लिखा गया है कि ये जल्दी कर रहे हैं और जो ऑर्डर उसमें लिखा गया जल्दी नहीं कर रहे। इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, ना उनको अपने नोटिफिकेशन की ऑर्डर पता थे, डेट्स पता थी, ना उनको अपने ऑर्डर्स की डेट पता थी, किसी किस्म का कोई उनके वो मुँह सारे से कहते हैं ना वो ही नहीं है ऑर्डर के अंदर, और ऊपर से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए किसके बारे में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मौजूद जज साहब के बारे में, ना उनके हद तक बायसनेस किसी जगह पे उन्होंने कहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये किया गया क्योंकि 7 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्डेंट, ये तीनों नाजायज MNAs जो हैं, ये पाबंद थे अपने फॉर्म 45 कोर्ट में जमा कराने के, ट्रिब्यूनल के सामने जमा कराने में, जो इन्होंने नहीं कराए, और अब इनको पता चल गया था कि इनके लिए अडयाले का रास्ता खुल गया, अब इनके जो है ये जो भी करतूत है सामने आ गए। देखें पूरे पाकिस्तान में ये शबखून मारा गया, और हमने पहले दिन कहा था कि हमने ओथ उठाया कि हमने लोगों के साथ, लोगों की इमानतों की हिफाजत करनी है, और आप इस चीज़ के गवाह हैं, आज 8 फरवरी के बाद आज तक हम रोड के ऊपर हैं, किस लिए? उन लोगों की इमानतों की हिफाजत करने के लिए, इमरान खान की इमानत जो उन्होंने टिकट दिया उसकी हिफाजत करने के लिए, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, और अल्लाह का करना ये होता है जो हक पे होता है, आपके सामने खड़े हैं, सरेआम खड़े हैं, एक एक लफ्ज़ के अपने जिम्मेदार हैं जो बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 उठा के खड़े हुए हैं, और जो जाली दो नंबर और गलाजत से भरे हुए MNAs हैं उनको देख रहे, दुम दुबा के भागते हैं, हमेशा किसी जगह खड़े नहीं होते, उन्हें कहते हैं फॉर्म 45 दो, मीडिया को कहते हैं मीडिया को क्यों दें, अदालत में दें, आप अदालत में जाएं, हम अदालत में रिट्स करते हैं, कहते हैं अदालत में क्यों दें, ट्रिब्यूनल्स को देंगे, ट्रिब्यूनल में कहते हैं हम, कहते हैं ट्रिब्यूनल में भी हम नहीं देंगे, ट्रिब्यूनल हम क्यों मांग रहा है, मस्जिद में जाते हैं वहाँ भी नहीं देते, खाना कहाँ कहते हैं वहाँ भी नहीं देते, और भाई कहे कि MNA हो, कम से कम इतना तो सीख लो, इतने एटिकेट्स तो कर लो, कम से कम अपने बुजुर्गों की कब्रों का हया कर लो कुछ से कुछ, कम से कम वो कलमे के नीचे तुम बैठते हो जाके, किस मुंह से बैठते हो, किस तरह फेस करोगे। और ईसीपी के लिए भी एक पैगाम है मेरा कि आप लोग भी जो हैं उम्र के बहुत बड़े हिस्से में पहुंच चुके हैं, इसलिए खुदा रहा इंसाफ के तकाजे पूरे किया करें, इन इमानतदारों की इमानतों में खयानत मत किया करें, आप लोग लीगल फैकल्टी के लोग हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और हम आपसे तवक्को करते हैं कि जो है मज़ीद ऐसे काम नहीं होंगे। अब 24 तारीख के लिए केस हमारा फिक्स हो गया, और जो नोटिफिकेशन किया ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ईसीपी ने, वो जो वो है उसकी हद तक उन्होंने जो है रोक दिया, और ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा, और ऑर्डर आएगा उसका फिर बात करेंगे, बस पे कर लेंगे, और इंशाल्लाह आई एम होपफुल के 12 को शुएब शाहीन साहब की पिटीशन लगी हुई है, जीत के बाद 24 तारीख 12 तारीख को शुएब शाहीन साहब का जो है वो कल हमारी पिटीशन यहां है, 13 को मेरी पिटीशन है, इंशाल्लाह होपफुल इस पे प्रोसीड होगा, क्योंकि रिकॉर्ड आज वापस कर गए हैं ईसीपी।